अकबर के साथ मैराथन कहा जाता था। यहाँ जनता का फैसला था उतरता था, इसीलिए इसको कहते हैं दीवाने आम पब्लिक। ये सारी बिल्डिंग आप जो देखने के लिए आए, अकबर बादशाह ने बनवाई थी अपने बेटे के जन्म की। अकबर बादशाह की तीन पत्नियाँ थी, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चन। मुस्लिम का नाम रुकैया बेगम, हिंदू का नाम जोधा बाई, क्रिश्चन का नाम मरियम। तीनों पत्नियों से अकबर को कोई संतान नहीं थी, तो अकबर बादशाह जिले गया था क्योंकि बाबा की दरगाह है वहाँ, मीनी देवी चिश्ती थी। वहाँ जाकर अकबर बादशाह ने चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाई, दुआ प्रार्थना की, तो उसके सपना के आप सीकरी जाए। सीकरी में सलीम चिश्ती नाम के संत रहते हैं, वो अगर आपके लिए दुआ करें तो संतान प्राप्ति हो सकती है। अकबर बादशाह यहाँ आया सलीम चिश्ती के पास, उनके आशीर्वाद से एक साल बाद बेटे का जन्म हुआ, उसकी खुशी में अकबर ने सब बन गया। बेटा सलीम चिश्ती गुरु बाबा की दुआओं से पैदा हुआ, बेटे का नाम सलीम रखा और वही सलीम जब बड़ा हुआ बादशाह ने उसका नाम जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया अपनी बीबी मुमताज़ को। तो ये सारी बिल्डिंग 1570 में स्टार्ट, 1582 में कम्प्लीट, 1200 इसको बनने में लगे। जब ये बन के तैयार हो गया, अकबर ने इसको अपनी कैपिटल बनाया, राजशाह बना। बाहर दीवाने आम, अंदर दीवाने।
ये दरवाजा बंद बिल्डिंग है ना, वो ट्रेजरी हाउस खजाना महल अकबर के जो खजाने थे वो रखे जाते थे ट्रेजरी हाउस। ये जमीन पे गेम बना हुआ है, एक दो तीन चार, ये चौपड़ कहलाता है 25। यहाँ चारों तरफ बूटियों की जगह लड़कियों को पास किया जाता था, बीच में टेबल पर पासा का नंबर होता था, वो अपनी अगर डांस करती थी फिर एक जगह से वो होती थी। जब यहाँ प्रोग्राम होता था वो स्टेडियम है सामने बादशाह मंदिरों का बैठ कर इसके कान दे। ये पंच हैं, एक दो तीन चार पाँच महीने चारों तरफ से बुरी है, सुबह हवा में क्या गर्मियों बादशाह पर अपनी गांधी के साथ बैठ कर ठंडी हवा में सैर कर रही है। इसको पंच महल भी कहते हैं, गुआ महल भी कहते हैं। पत्नियाँ थी ना मुस्लिम हिंदू क्रिश्चन, तीनों पत्नियों के लिए अलग अलग महल था। ये फर्स्ट वाइफ थी रुकैया बेगम, ये रुकैया बेगम का बेडरूम है और इस पर खूबसूरत नक्काशी की हुई है, चारों तरफ शीशे लगे हुए थे इसलिए इसको शीश महल कहते हैं। टर्की सुल्ताना का मकान। अच्छा, ये तानसेन के गाने की स्टेज है, दिल्ली में ऑर्डर तानसेन। यस यस, तानसेन एक संगीतकार थे, अकबर के दरबारी संगीतकार थे, आठ रत्नों में से एक रत्न, बड़े संगीतकार थे, नौ रत्नों में से, सॉरी नौ रत्नों में से एक। ये उनका हमाम है, टॉयलेट बाथरूम, रुकैया बेगम का बाथरूम बात का पे ये पांटव है क्या, आने की जगह है तो यहाँ पे बैठे दजीवाड़ा में नहीं गुजार था, बारिश आने गई थी। हाँ, जब यहाँ प्रोग्राम होता था बादशाह मंदिर में वहाँ बैठ कर सुनते थे, परदेश फिल्म का शूटिंग यही हुआ। ये उनका डाइनिंग हॉल है, अंदर अकबर का बैठ गया। अच्छा, बाथटब रुपये बेगम का बाथटब है ये। आराम करने के लिए जगह है, तीन पत्नियों के लिए अलग अलग तीन पैलेस बनवाए थे अपने आराम करने के लिए। अकबर का बेडरूम, अकबर की जो हिंदू देवी थी ना महारानी जोधाबाई, शुद्ध शाकाहारी, यहाँ उसका खाना बनता है, उसको दुर्गा की रसोई कहते हैं। और ये सभी अलग अलग झुमकों के डिजाइन बने हुए हैं और वो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं सामने में। और ये मरियम हाउस है, अकबर की जो क्रिश्चियन देवी थी ना फ्रॉम गोवा, गोवा पार्ट ऑफ दैट टाइम स्टेडिस पार्ट ऑफ इंडिया, मरियम पैलेस, जोधाबाई की हवेली है सबसे बड़ा।
अकबर बादशाह की तीन बीवियाँ थी, मुस्लिम तीनों बीवियों की चॉइस का ध्यान रखते हुए अकबर ने उनके लिए पैलेसेस बनवाए। जैसे मुस्लिम रानी के लिए बनवाया शीश महल, खूबसूरत नकाशी वाला काम जिसको शीश महल के नाम से जाना जाता है, टर्की सुल्ताना पैलेस। और क्रिश्चियन बीवी के लिए बनवाया, उस पर पेंटिंग हुई थी, अभी तो पेंटिंग सारी खराब हो चुकी है, सुनहरी पेंटिंग भी की हुई थी, क्रेसिस स्टोन पाउडर पेस्ट पेंटिंग की हुई थी, इसलिए उसको सुनहरा महल कहते हैं। और इसको बोलते हैं गोला की हवेली, हवेली मीन्स बिग पैलेस। ये गर्मियों के लिए, देखिए इसमें वेंटिलेशन, पीछे से ठंडी हवाएं आती थी, दिस इज कॉल्ड समर पैलेस। तो अदर साइड नो विंडोज नो वेंटिलेशन, दिस फॉर विंटर सीजन, सो दिस इज फॉर विंटर पैलेस। बीच में तुलसी के पौधे के लिए फूला, और ये जोधाबाई मंदिर पूजा करते थे, नीचे कमरे दासियों के लिए। ये जो महल है ना पूरा, इसको जोधाबाई की हवेली कहते हैं। यू नो हवेली मीन्स बिग पैलेस, लार्ज पैलेस। ऊपर जो आप देख रहे हैं ब्लू टाइल्स, ये ओरिजिनल से इम्पोर्ट किए गए थे, इम्पोर्टेड ओरिजिनल चाइनीज टाइल्स। आइए मोबाइल दीजिए। अभी जो जगह आप लोग घूम कर आ रहे हैं वो सीकरी पैलेस कहलाते हैं। अकबर बादशाह जहाँ रहते थे, अकबर की बेगम रहती थी, अकबर का पब्लिक ऑडियंस, प्राइवेट ऑडियंस, इंटरटेनमेंट ऑडियंस। और ये फतेहपुर है जहाँ हम लोग अभी चल रहे हैं, ये अकबर का गुरु का समाधि है, अंदर दरगाह है उनको, जिनके आशीर्वाद से, दुआओं से, जोधाबाई से बेटे की पैदाइश हुई, जिसकी खुशी में अकबर ने ये सारी इमारतें बनवाई जो आज आप लोग देख रहे हैं। और अकबर ने इसको अपनी कैपिटल भी बनाया था, अकबर की कैपिटल थी ये। अकबर बादशाह यहाँ से रूल करते थे, 1570 में बिल्डिंग स्टार्ट किया था, 82 में कंप्लीट बना हुआ था, और 12 साल इसको बनने में लगे। जब ये बनके तैयार हो गया तो अकबर ने इसको अपनी कैपिटल शिफ्ट किया। इससे पहले कैपिटल आगरा रहा करती थी, लेकिन इसके बाद भी कैपिटल लाहौर रही, क्योंकि अकबर बादशाह ये जगह छोड़कर चले गए, बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर वाज सॉल्टी, खारा पानी की वजह से अकबर बादशाह, और कुछ पॉलिटिकल रीजन भी थे, इसलिए अकबर ने ये जगह छोड़ दी और लाहौर शिफ्ट कर दिया। यहाँ का पानी खारा है। कहने का मतलब ये, फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का किला, ये सब बाबा की दुआओं का असर है। ना शहजादा सलीम पैदा होता मीन जहांगीर, ना शाहजहाँ आते, ना ताजमहल बनता, ना दिल्ली का किला बनता। तो आज भी बाबा साहब में लोग देश विदेश के अपनी दिल की इच्छाएं मांगने के लिए, मन्नत के लिए विश करते हैं, धागा बांधते हैं। वहाँ हम लोग अभी अंदर चलेंगे, सबसे पहले अपने शूज खोलेंगे, शूज खोलने के बाद अंदर दरगाह में जाएंगे, और फिर आप लोग जो भी मन्नत करना चाहें मन्नत कर सकते हैं, ये आपके मन की इच्छा है। हम लोग आ रहे हैं ये बादशाह अकबर के आने के लिए, इसको बादशाही गेट कहते हैं, फेस गेट, इस गेट से बादशाह अकबर की फैमिली आती है। और ये बड़ा वाला दरवाजा जो आप देख रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज गेट बुलंद दरवाजा है, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा दरवाजा। इसकी जो हाइट है 176 फीट की है, आर्च 90 फीट का है, आम जनता के आने के लिए, ऐसे हम कम जनता थी। और सामने जामा मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ नमाज होती है एवरीडे 5 टाइम। और ये वाइट वाली जो आप देख रहे हैं, ये दरगाह है महान सूफी संत गुरु बाबा हजरत सलीम चिश्ती की,
जिनकी आशीर्वाद और प्रार्थना से जोधाबाई से बेटे का जन्म हुआ, जिसकी खुशी में अकबर ने यह सब बनवाया। लेकिन दरगाह को अकबर ने लाल पत्थर से बनवाया था। जब जहांगीर को ये मालूम हुआ कि मैं बाबा के आशीर्वाद से दुआओं से पैदा हुआ हूँ, तो उसने बाद में इसको कवर्ड करवा दिया वाइट मार्बल। जहांगीर ये उनके पोते की दरगाह है नवाब इस्लाम खान की, और नीचे जो समाधियाँ हैं ये सब बाबा के परिवार के लोग फैमिली, ये पूरा फतेहपुर कहलाता है। और जो पहले आपने देखा वो सीकरी कहलाता है, मिलाकर फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। बुलंदरबाजी की हाइट 176 फीट है, आर्च 90 फीट है। खानदेश गुजरात अहमदनगर चांद बीवी सुल्ताना से जब विक्ट्री करके लौटे अकबर बादशाह, उसके उपलक्ष में इस दरवाजे को बड़ा करके बनवाया, इसीलिए इसको बोला जाता है बुलंदरबाजी। ठीक है ना। बुलंद दरवाजे की आतील बाजू, बुलंद दरवाजे आतील बाजू आई इकड़ा बघू शकता। निकाली थी ना राजा टोटरमल, टोटरमल ने राजा टोटरमल ये गाँव।